यूपी सरकार द्वारा टीईटी पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू न कराए जाने को लेकर बीएड डिग्री धारकों का आंदोलन और तेज हो गया है। देखिए, हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पहली टीईटी आयोजित की गई थी 2011 में, वो उत्तीर्ण किए हुए हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों से जो विगत सरकारें रही उन्होंने हमारा दोहन किया है। योग्यता पर अयोग्यता की तरजीह देकर हमारी नियुक्ति नहीं की है। हम लोग पिछले 6 वर्षों से बेरोजगार हैं और पूर्णता योग्य होते हुए भी जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक बनने के सारे मानक पूर्ण करते हैं, फिर भी आज तक पूर्व सरकारों ने केवल भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारी नियुक्ति नहीं की है, जिससे हम लोग परेशान हैं और इस समय भुखमरी की कगार पर हमारे सारे साथी और बहुत ही परेशान हैं। कोर्ट ने क्या आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया और वर्तमान सरकार का क्या रवैया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि आप जो नया विज्ञापन है उसको बहाल कर सकते हैं, और जो याची बने थे सुप्रीम कोर्ट में उसके तहत जो अंतर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए थे समस्त याचियों की नियुक्ति के लिए, वो राज्य सरकार को कोर्ट ने छोड़ा था राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी तरह के किसी आदेश का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अपनी डिग्रियां वापस करेंगे प्रशासन के माध्यम से। हमारी डिग्री उत्तर प्रदेश सरकार को हम वापस कर देंगे। इसके बाद हम लोग 10 तारीख से लखनऊ में एक आमरण अनशन करेंगे, जिसके तहत हम सभी टीईटी याचियों की और सभी जितने भी टीईटी पास 2011 वाले बीएड टीईटी धारक हैं उन सभी की नियुक्ति की मांग करेंगे शासन से, और अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम लोग वहीं आत्मदाह कर लेंगे। सरकार से किसी भी तरह से हम मनवा के रहेंगे, हमारी नियुक्ति की जाए, क्योंकि हम लोग योग्य हैं और सारे मानक पूरे करते हैं। सरकार एक तरफ अयोग्यों को तो नौकरी दे रही है, जिनके पास, जिनको एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जिनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जो अयोग्य हैं, और हम लोग योग्य हैं, बीएड करके टीईटी क्वालिफाई हैं, पिछले 6 वर्षों से डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही है और हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। मंगलवार को सैकड़ों टीईटी पास अभ्यर्थी अपनी अपनी डिग्री लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार को अपनी डिग्री सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से वापस की। टीईटी अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की तो सभी टीईटी पास अभ्यर्थी अपनी अपनी डिग्री के साथ आत्मदाह करेंगे। हम लोग सर अपनी अपनी डिग्रियां वापस करने आए हैं, क्योंकि हम लोग 2011 से संघर्ष कर रहे हैं, बराबर 6-7 साल हो रहे हैं लगभग, तो हम लोगों के साथ में रवैया क्या है प्रशासन का, तो ये डिग्री हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रशासन अपने पास ही रखे, जब हमारे किसी काम की नहीं है तो या तो हमें नौकरी दे या फिर ये डिग्री अपने पास रखे।